रणबीर अग्रवाल है। ये एक हॉरर कॉमेडी है और इसके अंदर थोड़ा सस्पेंस है, और ये हमने करीब 6 महीने पहले जयपुर में शूट की थी, और इस ये एक रात की कहानी है। ठीक है, इसमें 3 दोस्त होते हैं और उनकी 3 फ्रेंड्स होती हैं। 6 दोस्त एक ट्रिप के लिए जाते हैं और उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है वहाँ पर, तो उनको एक रात एक रिजॉर्ट में रुकना पड़ता है। तो रिजॉर्ट में जो हादसे होते हैं उसे एक रात के अंदर, ये उस चीज़ की कहानी है। और अभी फिल्म को रिलीज़ हुए 2 दिन हुए हैं और हम खुद थिएटर में आए थे, पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और हम थिएटर में बैठने के बाद जो पब्लिक के बीच है, हमारी पहली मूवी है, तो हम बैठने के बाद इन्जॉय बहुत किया हमने पब्लिक के साथ, अपने दोस्तों के साथ। बाकी ये मूवी तो है ही एक रात की कहानी, 300 साल पुराने बंगलो रिसॉर्ट में हम पहुंच जाते हैं जहां कोई नहीं होता, हम किसी को डिस्टर्ब करते हैं। फिल्म के दौरान हमने काफ़ी इन्जॉय किया क्योंकि काफ़ी बहुत हॉस्पिटैलिटी मिली हमें जयपुर जाकर। वहाँ की जो पब्लिक थी और वहाँ के जो लोग थे वो बहुत उन्होंने हेल्प किया हमें। मौत फिराएगी का मतलब होता है कि जो 300 साल पहले लोग मर गए थे, हम उस रिसॉर्ट में अचानक से पहुँचते, उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, तो उसकी वजह से ये कहानी का मोड़ थोड़ा चेंज हो जाता है, तो मौत फिराएगी। और बाकी इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर काफ़ी अच्छे थे, न्यू प्रोड्यूसर था दीपक शर्मा जी और डायरेक्टर विनोद त्रिपाठी जी, जिनके साथ हमें काम करके बहुत अच्छा लगा, उन्होंने पहला ब्रेक दिया हमें। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये मेरी पहली मूवी है और मैं दर्शकों के साथ बैठ के खुद की मूवी की टिकट तक मैंने खरीदी है, तो मुझे बहुत मज़ा आ रही है, बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है अपनी फिल्म को 70mm पर देखकर। और जो सीन हमने किए हैं वो सीन को कहीं कहीं ऐसा देख के हम खुद डर जा रहे हैं कि ये सीन हमने किया है। बहुत खुशी हो रही है कि दर्शक तालियां बजा रहे हैं हमारी मूवी पे। अब तक तो एल्बम सॉन्ग्स वगैरह किए हैं, सीरियल किया है मैंने, बाकी अभी ये मेरी एज ए लीड पहली मूवी है, तो बहुत अच्छा लगा। और ये मेरा पार्टनर, इसके साथ मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल जाएंगे, हाँ, बिल्कुल जाएंगे। और इसके जो प्रोड्यूसर हैं दीपक शर्मा जी, बहुत ही मैं कहूँगा कि हमें बहुत उत्साह है कि हम उनके साथ दोबारा काम करें। वो क्या बोलते हैं कि बहुत अच्छे, बहुत उनका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और बहुत हेल्पफुल रहे हर जगह पे, उन्होंने किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी फिल्म में। और हम उनके आर्टिस्ट तो थे ही, बाकी उन्होंने हमें अपने बच्चों जैसा प्यार भी दिया है, हमारी बहुत खातिरदारी भी की जयपुर में फिल्म के अलावा, तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके पहली बार किया है। एक्चुअली ये फिल्म हर फिल्म में ये होता है कि चुड़ैल आ गई, भूत आ गई, ये हो गया, इस फिल्म में चुड़ैल और भूत तो है लेकिन थोड़ा इसमें अलग किया है। इस फिल्म में टोटल 2 गाने शूट हुए हैं और दोनों गाने में हमने बहुत इन्जॉय किया। पहला गाना तो मुझे बहुत पसंद आया और दूसरा तो मेरा फेवरेट था ही, बिकॉज वो एक रोमांटिक सॉन्ग था जिसमें मैंने बहुत इन्जॉय किया। इस फिल्म में कोई आइटम सॉन्ग नहीं है बिकॉज ये एक रात की कहानी है, तो एक रात में यही सारा कुछ चल रहा है। मैं बस यही कहूँगी कि दर्शकों ने मुझे इतना प्यार दिया है और हमारी फिल्म देखने आए हैं, तो बस यही कहूँगी। फिल्म के बारे में अगर 2 शब्दों में कहा जाए तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, आप एक बार ज़रूर जाइएगा देखने। ये एक हॉरर कॉमेडी है और जिसमें वाकई मज़ा आएगा। हमने फिल्म बनाने के दौरान भी हमें इतना मज़ा आया, अभी हम ऑडियंस के बीच में बैठकर देख रहे थे तो भी हमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि इसमें जो 3 दोस्त हैं तीनों का बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है। कोई ये बहुत डरपोक है, हम दोनों तो बहुत ब्रेव टाइप हैं, बाकी एक है जो एकदम से कॉमेडी है थोड़ा हटके। तो बाकी ज़्यादा मज़ा तो आपको फिल्म देखकर ही आएगा, हम उतना मज़ा आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली।